जनपद संभल के चंदौसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बदायूं जनपद के 20 मुकदमे में फरार चल रहा युवक को अवैध 5 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक संभल ने किया। युवक को जेल भेज दिया गया है। रविवार को संभल के चंदौसी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अपने पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि मुख्य चौराहे बदायूं मुरादाबाद रोड पर ग्राम तारापुर जाने वाले रास्ते पर एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा है। पुलिस ने आनंद फानन में पहुंचकर युवक को धर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम महेंद्र पुत्र जज्जन सिंह निवासी सरसावा थाना बिसोली जनपद बदायूं का बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध 5 किलो डोडा बरामद किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी से कड़ी पूछताछ पर बताया कि बदायूं जनपद से 19 मुकदमों में फरार चल रहा हूं, जिसमें पुलिस अधीक्षक संबल चक्रेश मिश्रा ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। विभिन्न मुकदमे में फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली से फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल भेज दिया। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक संभल ने किया है। थाना चंदौसी की पुलिस तथा SOG टीम के द्वारा आज एक 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये गैंगस्टर के मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत कई सारे मुकदमे कायम किए गए थे। ये शराब के एक माफिया की तरह काम करता था। आज इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, माननीय न्यायालय भी।